नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज है, सैनिक स्कूल में परमानेंट वैकेंसी आ चुकी है। कुछ पद परमानेंट है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। किन विषयों के पद हैं इसमें? हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है, गणित है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, विज्ञान, संगीत, कला है। इन सभी विषयों के TGT के पद सैनिक स्कूल में आए हैं। और बड़े मज़े की बात यह है कि ये सैनिक स्कूल आपका यूपी में ही है। आपको यूपी के बाहर जॉब करने नहीं जाना पड़ेगा, यूपी के अंदर ही आपकी जॉब होगी। दोस्तों पहली बार वीडियो देख रहे छात्रों को बता दें, सीपी स्मार्ट क्लासेस अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप इसको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो दिया गया वहां से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं को हम पूरी तरह से कवर करते हैं, चाहे वो TGT हो, PGT हो, LT ग्रेड हो, NVS हो, KVS हो, PRT हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो या GDC हो। हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अगर आप किसी कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं तो 8239226960 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। एप्लीकेशन पर चलाए जाने वाले कोर्सेज में लाइव वीडियो क्लासेस है, गणित की, संगीत की, कला की, अंग्रेजी की, और इसके साथ साथ है जो है टेस्ट सीरीज है गणित, संगीत, कला, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और शारीरिक शिक्षा, इन विषयों की टेस्ट सीरीज वहां पे उपलब्ध है। नई क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर की शुरू की गई है सामान्य ज्ञान की। इस क्लास में जो भी छात्र प्रवेश लेना चाहते हैं वो प्रवेश लेने के लिए जो हमने नंबर बताया है उसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है 8239226960 पे। एंट्री असिस्टेंट प्रोफेसर लिखना है, इसमें भेज देना है, पूरी डिटेल आपको इस क्लास के बारे में दे दी जाएगी। दोस्तों ये नोटिस जारी किया गया है सैनिक स्कूल झांसी से, झांसी यानी कि उत्तर प्रदेश में से ये वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पे रेगुलर पोस्ट के लिए नोटिस जारी किया गया है। रेगुलर पोस्ट आप ये देख लीजिए, TGT जनरल साइंस की रेगुलर पोस्ट है, एक वैकेंसी है और अन्य रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है। पे लेवल यहाँ पे जो TGT का है वही पे लेवल आपको मिलने वाला है क्योंकि ये परमानेंट पोस्ट है। पे लेवल 744,900 का बेसिक आपको मिलेगा। यही TGT की अन्य वैकेंसी में भी यही आपको मिलता है। 21 से 35 साल की एज यहाँ मांगी गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए BSc BEd ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT से मांगा गया है 50% नंबरों के साथ। या आपके पास अगर 4 साल का BSc BEd कोर्स नहीं है तो आप यहाँ पे, अगर आप साइंस के ग्रेजुएट हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सब्जेक्ट में से कोई दो आपके पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और BEd की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। तो इन डिग्री इसके साथ साथ है देखिए कुछ अन्य क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दिया गया है। अगर आपने BEd MEd किया हुआ है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है और MEd किया हुआ है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है आपसे मांगा गया है CTET या STET पास होना चाहिए। इस क्वालिफिकेशन के साथ साथ CTET या STET पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरी वैकेंसी देखते हैं। ये हिंदी की वैकेंसी है, इसमें 2 सीटें हैं, एक OBC की है और एक SC की है। इसमें जनरल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें सेम है। और इसमें 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स मांगा गया है, जैसे आगे मांगा गया था उसी तरह से इसमें भी मांगा गया है। बैचलर डिग्री अगर आपके पास हिंदी की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको TET CTET पास होना चाहिए प्लस बैचलर डिग्री आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। आगे यहाँ पे TGT मैथ की पोस्ट है, इसी तरह से आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 2 सब्जेक्ट कोई हो इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स होनी चाहिए इसमें से। या फिर आपके पास 4 साल वाला कोर्स हो, इंटीग्रेटेड कोर्स हो NCERT वाला, और TET CTET इसमें होना चाहिए। TET CTET यहाँ पे मांगा गया है और ये अगर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक पे TGT के सभी पोस्ट के लिए सेम है। तो TGT मैथ के बाद सोशल साइंस की है। सोशल साइंस में जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पे जो है कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ता है, तो कौन कौन से विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, जियोग्राफी, पोलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, ये सब मेन सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। और TET CTET तो आप पास होंगे तभी इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। और पे स्केल सेम है, वैकेंसी 2 हैं, एक OBC की है, एक ST की है। इसी प्रकार से TGT
इंग्लिश की पोस्ट है, एक वैकेंसी है और ये अनरिजर्व है। क्वालिफिकेशन लगभग सेम है, संस्कृत की भी इसी तरह से है। और आर्ट मास्टर की बात करेंगे, आर्ट टीचर की, तो ये जो है कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। इसमें सैलरी आपको 3500 रुपया फिक्स मिलेगी, 35,000 रुपये फिक्स मिलेगी। और इसमें आर्ट, फाइन आर्ट, पेंटिंग में, स्केल्टिंग में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आपने किया तो 4 साल का एक डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से म्यूजिक टीचर की जो वैकेंसी है ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको बताएंगे, यहाँ पे ये जो सीट है ये ओबीसी के लिए रिजर्व, इस पे कोई दूसरे कैंडिडेट नहीं जा सकते। इसी तरह से ये सीट म्यूजिक टीचर की जो है एससी के लिए रिजर्व है, केवल एससी के लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी एससी कैंडिडेट को म्यूजिक टीचर के रूप में, वो 28,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। हायर सेकेंडरी डिग्री और डिप्लोमा इन म्यूजिक फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, तो इसमें कहा जा रहा है आप इंटरमीडिएट पास हों या फिर डिग्री डिप्लोमा, और उसके साथ डिग्री डिप्लोमा आपके पास म्यूजिक का होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश या हिंदी के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, या फिर आपके पास यहाँ पे संगीत विशारद एग्जामिनेशन अगर आपने पास किया गंधर्व महाविद्यालय मंडल का, या बॉम्बे या भातखंडे संगीत विद्यालय का अगर आपने लखनऊ वाला भी पास किया है तो भी आपका इसमें चलेगा। प्रयाग संगीत समिति का डिप्लोमा अगर आपने किया है तो भी आपका यहाँ पे चल जाएगा, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ लाइब्रेरियन की पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल है, एक पोस्ट है अनरिजर्व है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया है, केवल डिग्री मांगी गई है, डिप्लोमा मांगा लाइब्रेरी साइंस में। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी में है, पीटीआई कम मैट्रिन की पोस्ट है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। ये सारी क्वालिफिकेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, इससे पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूँ। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।